हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। हमारे जो स्टेट का जो सीरीज चल रहा था, उसमें हमने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड को देखा था, और आज हम चलते हैं दीदी के घर यानी कि पश्चिम बंगाल। ये अभी हमारा पड़ोसी राज्य है। तो अगर हम बंगाल की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। बंगाल का स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और हमने बिहार में इसका डिटेल से चर्चा किया था। पहले यह हमारा ही घर हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है बंटवारा हो गया। तो 1 नवंबर 1956 को जो है इसका स्थापना हुआ। अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 88,752 किलोमीटर बंगाल का क्षेत्रफल है। कितना है? 88,752 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर राजधानी की बात करेंगे बंगाल का, तो हो जाएगा आपका कोलकाता, यानी कि बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगी। उसके बाद अगर जिला की संख्या की बात करेंगे कि जिलों की संख्या कितनी है बंगाल में, तो हो जाएंगे आपके 23 जिले। जैसे बिहार में 38 जिले हैं, वैसे यहाँ पे 23 जिले हो जाएंगे। क्लियर है? अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो 9.12 करोड़, यानी कि यह जो डेटा है वह आपके 2011 के जनगणना के अनुसार है, जिसमें बंगाल का जनसंख्या कितना बताया गया है, ये 9.12 करोड़ बताया गया है। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है इसके सीमा का, यानी कि बंगाल के आसपास के राज्य और देश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर बंगाल के उत्तर में बात करेंगे कि कौन सा राज्य पड़ता है, तो सिक्किम पड़ेगा और एक देश पड़ेगा, वो है आपका भूटान। यानी कि बंगाल के उत्तर में सिक्किम और राज्य जो है, देश जो है भूटान, ठीक है। उसके बाद अगर दक्षिण में बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। पूरब की बात करेंगे तो असम और बांग्लादेश, यानी कि पश्चिम में जो है उड़ीसा, झारखंड, बिहार और नेपाल। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि बांग्लादेश की सीमा कितने देशों के साथ लग रही है, तो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, यानी कि 3 देशों के साथ जो है इसका सीमा बन रहा है। अगर हम बात करते हैं विधानमंडल की, तो वह जो है एक सदनात्मक है, द्विसदनात्मक बनाने के लिए बात चल रहा है, लेकिन है अभी एक सदनात्मक, अभी दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। और आपको पता है एक सदनात्मक में केवल विधानसभा होता है, विधान परिषद नहीं होता है। तो विधानसभा की बात करेंगे तो टोटल 294 सदस्य हैं। कितने हैं? 294। अब हम बात करते हैं लोकसभा की, लोकसभा के कितने सदस्य हैं भाई बंगाल में, तो हो जाएंगे आपके 42 हो जाएंगे। और राज्यसभा की बात करेंगे तो वह हो जाएंगे आपके 16, यानी कि विधानसभा 294, लोकसभा 42 और राज्यसभा 16। अब हम बात करते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री, यानी कि बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वे हो जाएंगे प्रफुल्ल घोष। कौन हो जाएंगे? प्रफुल्ल घोष। अगर हम प्रथम राज्यपाल की बात करेंगे तो हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री प्रफुल्ल घोष और प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अब भाई प्रथम का तो बात कर लिए, तो वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है बंगाल के मुख्यमंत्री है ना, तो वह है हमारी दीदी, यानी कि हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वह हो जाएंगे हमारी दीदी ममता बनर्जी, और वर्तमान राज्यपाल की बात करेंगे तो सीबी आनंद बोस। कौन हो जाएंगे? सीबी आनंद बोस, यानी कि वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वर्तमान राज्यपाल सीबी आनंद बोस। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट के, प्रमुख नदी, यानी कि बंगाल में जो है कौन कौन सी प्रमुख नदी है, तो ऐसा तो है बहुत सारी, लेकिन हम 2-3 यहाँ पे देखेंगे। दामोदर नदी, गंगा नदी और हुगली नदी। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, जैसे बिहार में कोसी नदी को कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमुख नगर के, तो हावड़ा, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, पुरुलिया। पुरुलिया जो है पहले बिहार का हिस्सा था, बाद में इसको पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हावड़ा, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और पुरुलिया। अगर हम पर्यटन केंद्र की बात करेंगे कि बंगाल में जो है कौन कौन से मुख्य पर्यटन केंद्र है, वह हो जाएंगे आपके विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, टाइगर हिल, बेलूर मठ,
राष्ट्रीय पुस्तकालय और जैन मंदिर, ये सब महत्वपूर्ण वहाँ के पर्यटन केंद्र हो जाएंगे। अगर हम प्रमुख त्यौहार की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपका दुर्गा पूजा, काफी भव्य तरीके से बंगाल में मनाया जाता है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और काली पूजा। काली पूजा जो है तारापीठ में बहुत ही भव्य काली देवी का जो है मंदिर है, बहुत ही श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पे देखने। अगर हम बात करते हैं प्रमुख लोक नाट्य की तो हो जाएगा यात्रा, लोक नाट्य कौन हो जाएगा यात्रा, और लोक नृत्य की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका राम भोसे कीर्तन काठी है, तो बहुत दो तीन महत्वपूर्ण है इसलिए उसी पे हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। ये हो गया प्रमुख लोक नाट्य, हो गया लोक नृत्य, हो गया। उसके बाद अगर हम प्रमुख पर्वत की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका हिमालय एवं शिवालिक की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद अगर हम उच्च न्यायालय की बात करेंगे कि बंगाल का जो है उच्च न्यायालय कहाँ है तो वह हो जाएगा आपका कोलकाता, कहाँ हो जाएगा कोलकाता। अब बंगाल में जो है प्रमुख परियोजना, यानी कि बंगाल में जो है सरकार के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण परियोजना चलाई जाती है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, तीस्ता बैराज और फराक्का बैराज। इसको जो है हम लोग नदी तंत्र में पढ़े हुए हैं और परियोजना में भी बहुत ही डिटेल से देखेंगे। और राजकीय पशु की बात करेंगे तो हो जाएगा फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो हो जाएगा व्हाइट थ्रोट या किंग फिशर, है ना, कौन हो जाएगा राजकीय पक्षी, व्हाइट थ्रोट या किंग फिशर। उसके बाद राजकीय फूल की बात करेंगे तो नाइट फ्लावर जस्मीन, है ना, राजकीय फूल नाइट फ्लावर जस्मीन। राजकीय पेड़ की बात करेंगे तो ब्लैक बोर्ड ट्री, इसको हिंदी में चेटियन कहते हैं, है ना, राष्ट्रीय पेड़ कौन हो जाएगा ब्लैक बोर्ड ट्री, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो अगला पॉइंट है वह है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय बंगाल की राजधानी कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी, है ना, इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। बस यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि बंगाल की राजधानी कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद एक और ही सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि भारत की सबसे बड़ी बैंक जो कि SBI है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी शुरुआत जो है कोलकाता में 1806 में हुआ था। अब उसका नाम उस समय क्या था, द बैंक ऑफ कलकत्ता, यानी कि जो 1806 में द बैंक ऑफ कलकत्ता का निर्माण हुआ था उसी को स्वतंत्रता के पहले यानी कि बाद में, है ना, स्टेट बैंक के नाम दे दिया गया, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि साक्षरता दर वहां पे कितना पढ़ा लिखा लोग है तो 77.1% जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है, ठीक है, तो साक्षरता कितना हो जाएगा 77.1%। अगर हम भाषा की बात करेंगे तो मुख्य रूप से बंगाली वहां का मुख्य भाषा है, द्वितीय भाषा तृतीय भाषा में आपको हिंदी उर्दू ये सब मिल जाएंगे, क्लियर है। अब जो है हम बात करते हैं लिंगानुपात का, लिंगानुपात की बात करेंगे तो 950 है, कितना है लिंगानुपात 950। अब वहां की हम प्रमुख जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं तो भुइया, हो, माही, मुंडा, कोटा और भूरिया। तो यह जो था पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हमने देखा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हम पूरे राज्य के सीरीज तथा और भी विषय को जो है साथ में लेकर के चल रहे हैं। और अभी तक अगर आप द जॉब्स जंग जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।